आज महाप्रणिदान के महापर्व पर इस पर्व को हम विशेष रूप से हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। जब भगवान बुद्ध यहाँ इस लोक पर थे तो उस वक्त जो है तथागत गौतम बुद्ध विशेष रूप से दूसरे धर्मों के शास्त्राओं के साथ चर्चा परिचर्चा करते थे। तिब्बत में भी महात्सोंगपा ने जो है इस तरह के जो है महाप्रणिदान का एक परंपरा को उन्होंने स्थापित किया था। बीच बीच में ऐसा एक समय आया था जब महाप्रणिदान इस पर्व को जो है मनाने में कुछ कठिनाइयां आई थी। यहाँ हम निर्वासन में आने के बाद तकरीबन हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो है इस महाप्रणिदान पर्व को मनाते आए हैं। सन 1959 और 60 को छोड़कर अन्य वर्षों में इस तरह के महाप्रणिदान को मनाया है। दक्षिण भारत से कर्नाटक से जो भी यहाँ आए हैं आप सब जो है यहाँ बहुत ही ठंडे मौसम में आए हैं और ये आप लोगों के लिए यादगार रहेगा। आज प्रवचन के पहले दिन मैं जातक माला पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। आता है
तथागत गौतम बुद्ध तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए थे। सभी धर्मों में जो है प्रेम करुणा दया इसकी भावना सभी में है। जो सृष्टिकर्ता को मानते हैं उनमें भी जो है इस तरह के प्रेम करुणा और दया की भावना होती है। इसी तरह जैन धर्म में भी जैन मुनि की जो अनुयायी हैं वे भी जो है अहिंसा के जो चर्या हैं उसका बखूबी रूप से उसका अनुशीलन करते हैं। हमारे बौद्ध शास्त्रों में भी जैनों के जो है सिद्धांतों के बारे में बार बार व्याख्या होती है। इसलिए जो है 2500 वर्षों में सभी धर्मों में जो है इस तरह की चर्याएँ होती आ रही है। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि एक मानव का जो है स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक जो गुण है वो गुण है प्रेम। बचपन से ही जो है उसे प्रेम के साथ पालन होता है प्रेम, और इसी तरह जो है पूरा जीवन भर जो है प्रेम के साथ ही उसका जीवन व्यतीत होना है। इसलिए जो है सृष्टिकर्ता की जो मानते हैं वे भी जो है ये मानते हैं कि सृष्टिकर्ता जो हैं वो एक प्रेममयी हैं, और इसलिए जो है जितने भी उनके द्वारा रचा गया जितने भी दुनिया में जितने लोग हों प्राणी हों सब जो है उनके द्वारा बनाया गया है, सृष्टिकर्ता द्वारा रचा गया है। तो इसलिए जो है सभी प्राणियों को सभी सत्वों को उनको प्रेम करना चाहिए। एक दूसरे को जो है सहायता करना और दूसरों को जो है हानि नहीं पहुंचाना इस तरह के भावना उत्पन्न करते हैं। इसी तरह जो सृष्टिकर्ता को नहीं मानते हैं वे भी जो है प्रेम के द्वारा ही अपने जीवन यापन करते हैं। समाज में रहने के नाते हमें जो है एक दूसरों को किस तरह से जो है कल्याण करें, किस तरह से जो है उन्हें उनका उनको फ़ायदा लाभ पहुंचाएं, एक समाज में रहने के हमें इस तरह के विचार लेकर चलना होना चलते रहना चाहिए। दूसरों को जो है हानि पहुंचाने का
सभी धर्म जो है सभी धर्मों में जो है प्रेम करुणा की भावना है और एक अच्छे आचरण करने के लिए सब प्रेरित करते हैं। इसीलिए जो है सभी धर्मों को जो है एक सर्वधर्म संभाव की दृष्टि से देखना चाहिए, सभी में जो है सभी का जो है आदर करना चाहिए। इसीलिए जो है जो भी कार्य करते हैं, धर्म प्रवचन हो चाहे जो भी कार्य करते हैं, उसमें जो है सबसे पहले जो है एक विचार जो है सबसे पहले विचार जो है एक अच्छा विचार के साथ धर्म का प्रवचन करना चाहिए और धर्म का श्रुति करना चाहिए। इससे पहले जो है सबसे पहले त्रिशरण गमन का ये प्रार्थना करते हैं। बौद्ध धर्म जो है सभी धर्मों के भांति जो है दूसरों को कल्याण कैसे करना है इसके बारे में विचार करता है। लेकिन इसका जो विशेषता ये है कि जो है इसका सिद्धांत है जो अन्य तैर्थिकों के दूसरे संप्रदायों के जो आत्मा की जो व्याख्या है उस व्याख्या में जो है दूसरे परंपराओं की जो आत्मा है वो आत्मा की व्याख्या करने से आत्मा के सिद्धांत से जो है पुनर्जन्म और इस जन्म का इस शरीर से अलग कोई आत्मा है ऐसा मानते हैं। तो ये आत्मा जो है पुनर्जन्म मानने में जो है सहायक के रूप में है, सहायता मिलती है। क्योंकि यदि हम आत्मा को मानते हैं तो पुनर्जन्म को जो है मानने में जो है हमें सहायता मिलता है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में जो है तंत्र में जब हम बौद्ध धर्म के शास्त्रों में हो या तंत्र विशेषकर तंत्र विद्या में जो है अनात्म को मानते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कठिन होता है कि जो है अनात्मा कैसे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी प्राणी जो है सुख की आशा करते हैं और दुख नहीं चाहते हैं। Gracias a Dios.
ये ब्रह्मांड कैसा है, अगर इसका बाह्य जो कारण है, बाह्य कारण बहुत हैं, लेकिन जो है जिसके आंतरिक कारण क्या है, इसके लिए बौद्ध धर्म जो है प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से कहा गया है। इसीलिए जो है इसका मुख्य आधार जो है प्रतीत समुत्पाद ही है। बौद्ध धर्म में जो है चार आर्य सत्य जो है प्रतीत समुत्पाद का आधार है। द्वितीय प्रवचन में प्रज्ञापारमिता को जो है पंच स्कंदों को भी जो है एक स्वभाव निस्वभावता के रूप में देखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये जो है प्रज्ञापारमिता शास्त्र का जो है सार है। पंच स्कंदों को जो है स्वभाव विहीन देखना चाहिए। वहाँ पर जब पंच स्कंदों को बी कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जो शरीर जो है वो यदि वो शरीर जो है स्कंद जो है यदि आरोपी मात्र नहीं है तो वहाँ पर जो है उस इसलिए जो हम मैं सोचते हैं या आत्मा सोचते हैं मैं सोचते हैं तो वहाँ पर उसका जो हम परीक्षण करते हैं निरीक्षण करते हैं तो वहाँ पर जब जो है हमें ये दिखाई देता है कि परीक्षण करने के बाद मैं हमें ढूंढने पर नहीं मिलता है। तो इसलिए इसके यदि आप धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो है इसके ऊपर निरीक्षण करना अत्यंत ज़रूरी है। तथा गौतम बुद्ध ने अंतिम प्रवचन अंतिम धर्मचक्र प्रवचन में उन्होंने कहा है गैर पदार्थों का जो है निस्वभाव है ऐसा कहने पर यदि शब्देश इसे लिया जाता है तो जो है वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए संधि निर्मोचन सूत्र में इसे जो है नयार्थ के अर्थ में लेने के लिए कहा गया है। और अन्य सूत्रों में जो है हमारे चित्त जो है प्रभास्वर है ऐसा कहा गया है। ये जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा निर्णय है कि जो है हमारे चित्त प्रभास्वर है। तथागत गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तब उन्होंने जो है एक श्लोक कहा था जिसमें उन्होंने जो है ये कहा था कि उन्होंने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, जिस बुद्धत्व को प्राप्त किया है, वो ज्ञान जो है यदि दूसरों को कहना चाहूँ तो वो जो है दूसरों को कैसे समझ आएगा। तो ये वहाँ उस वक्त जो है भारत के समाज में दूसरे जो सिद्धांतों में जो है जितनी भी धर्म हैं वे जो है स्वभावतः सिद्ध हैं ऐसे मानने वाले, इसीलिए जो है ऐसे समाज में यदि ये कहा कि जो है आत्मा नहीं है अनात्म है तो इसलिए जो है उन्होंने जो है अपने ज्ञान को अनात्मता के ज्ञान को जो है दूसरों से नहीं कहकर 7 हफ्तों तक जो है शांत तप में तपस्या में रहे थे। और तथागत गौतम बुद्ध के जो है निस्वभावता की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को जो है बखूबी रूप से एक विस्तार रूप से जो आचार्य नागार्जुन ने अपने शास्त्रों में लिखा है उसमें जो है विशेषकर मूल्य प्रज्ञापार मूल्य मध्यमिका कारिका में उन्होंने
जो 27 जो अध्याय हैं उन अध्यायों में विशेष रूप से कहा है किस प्रकार जो है हम संसार में आते हैं और संसार में किस तरह से जो है हम विचरण करते हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से कहा है, और अनात्मता के बारे में, निस्वभावता के बारे में विस्तार से कहा है। विशेषकर 18वें अध्याय में उन्होंने 18वें अध्याय और 24वें अध्याय में उन्होंने जो है दूसरों के जो आरोपण है, वाद है, विवाद है, उसको जो है किस तरह निराकरण करना है उसके बारे में उन्होंने विशेषकर कहा है। और उसमें एक श्लोक में उन्होंने कहा कि जो प्रतीत्य प्रज्ञप्त मात्र होने से जो है सभी धर्मों के निस्वभावता सिद्ध होती है। इसीलिए जो है ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो है प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं है, और यदि कोई भी धर्म प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं है तो वो जो है ऐसा कोई धर्म सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए जो है हमारे जो कर्म है और क्लेश है, कर्म क्लेश जो भी है वो जो है कई तरह के प्रपंचों के कारण, कल्पनाओं के कारण इस तरह के हमारे जो कर्म और क्लेश उत्पन्न होते हैं। हमारे जो है कई प्रकार के भ्रांतियों के कारण, कल्पनाओं के कारण, विकल्पों के कारण ही जो है हमारे अंदर राग द्वेष मोह आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए माध्यमिक शास्त्रों में जो है व्यवहार में जो है लक्षण को मानना और नहीं मानना, इसमें जो है हम लोग जो है पदार्थों को जिस प्रकार देखते हैं तो वो जो है एक हमारे जो पदार्थों को देखने की जो दृष्टि है जो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो सामने से है, लेकिन जब हम उसका परीक्षण और निरीक्षण करते हैं वो जो है वास्तविक में वहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए जो है हम जितने भी पदार्थों का परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करते समय जो है हमें कोई भी पदार्थ स्वाभाविक रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु यदि व्यवहार में भी हम उसको कोई भी चीज़ों को वहाँ पर अपने आप आवास के रूप में नहीं मानते हैं तो वो उचित नहीं है। इसीलिए व्यवहार में जो है केवल नाम मात्र सभी पदार्थों का, सभी चीज़ों को जो है हमें मानना चाहिए। यदि हम परीक्षण करते हैं तो जो है सूक्ष्म जो सत्यग्राह्य है वो जो है सत्यग्राह्य जो है परीक्षण करने पर नहीं, अगर हमें नहीं मिलता है तो जो है हमें एक अपने, यदि हम लगातार उसके ऊपर सत्यग्राह्य ना होने के ऊपर विचार करते रहें, वर्षों तक विचार करते रहें, तो इसका बहुत हमें लाभ मिलता है। मुझे कई वैज्ञानिकों ने योगाचारों के जो तीन लक्षण जो हैं, योगाचार के जो तीन जो लक्षण हैं उन लक्षणों में उनके विचार के अनुसार जो है वैज्ञानिक भी कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक इसके बारे में कहते रहते हैं। जो पक्षपात रहित जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही विस्तारपूर्वक उसका परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। मेरे एक जानकार जो भारत के एक वैज्ञानिक थे, वो जो अनुवैज्ञानिक थे, वो मुझे उन्होंने एक बार कहा था जो क्वांटम फिजिक्स जो है पाश्चात्य देशों में जो है उनके लिए एक नया सिद्धांत है, लेकिन भारत के
अंदर इस तरह के जो सिद्धांत जो है 2500 वर्ष पहले ही ये सिद्धांत स्थापित था। वैज्ञानिक जो परीक्षण करते हैं, जो कहते हैं, वो जो है एक बाह्य वस्तुओं के ऊपर उनका परीक्षण होता है, लेकिन आंतरिक एक जो चित है, चित परिवर्तन के ऊपर उसका विशेष कोई उनका बल नहीं रहता है, महत्व उसके ऊपर नहीं रहता है। मनुष्य का जो विशेषकर द्वेष के नाते, क्रोध होने के नाते, उनका मेरे एक मित्र थे, उन्होंने जब वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब उसके ऊपर परिचय किया तो उन्होंने उन वैज्ञानिक ने मुझे कहा कि मनुष्य के अंदर जो है, जब मनुष्य जब क्रोधित हो जाता है तो उसके उसे जो सामने जो शत्रु जो दिखाई देता है, वो शत्रु जो है उसके जो है कल्पना से ही जो है मनुष्य उसे बहुत बुरा दिखाई देता है, लेकिन उस कल्पना से ही उसे बुरा दिखाई देता है। इसलिए जो है वस्तु स्थिति कुछ और होता है, लेकिन हम कुछ और देखते हैं। इसलिए जब हम जो है सत्यग्राह को हटाना है, सत्यग्राह दृष्टि को दूर करना है, तो हमें जो है केवल बोधिचित का अभ्यास करने मात्र से वो दूर नहीं होगा। इसलिए जो है हमें उसका जो है प्रतिपक्ष है उसके ऊपर जो है, इसलिए हमें अध्ययन करते हुए श्रुति करना, चिंतन करना और प्रज्ञा के ऊपर जो है बार बार जो है उसके ऊपर विचार करके, बार बार विचार करके उस सत्यग्राह को हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए जो है हमें अनेक शास्त्रों अध्ययन करना अत्यंत ज़रूरी है, विशेषकर जो है मूल मध्यमिक का कारिका और आर्यदेवा के चतुशतक। आचार्य भावविवेक के जो आचार्य भावविवेक के मध्यमिक सार बहुत ही ज़रूरी हैं। इन शास्त्रों का यदि अध्ययन करते हैं तो जो है शून्यता का जो सार है, वो सार जो है हमें दिखाई देता है, हमें उसका ज्ञान मिलता है। उसी तरह जो है आचार्य चंद्रकृति की मध्यमक अवतार और उसका जो व्याख्या, उनका जो है हमें अध्ययन करना चाहिए। केवल एक ग्रंथ को देखकर हमें नहीं रहना चाहिए, कई ग्रंथों को देखना चाहिए। इस ग्रंथ में ये कहा गया है, इस ग्रंथ में इस तरह का युक्ति दिया गया है, और एक दूसरे ग्रंथ में जो है उसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है, तो उसका जो है हम यदि हम विस्तार से हम उसका हम अध्ययन करते हैं तो हमें जो है हमारे मन में जो है एक निश्चितता, मन के गहराइयों से जो है हमें एक ज्ञान, एक अंतर मन के अंदर एक विश्वास जागृत होता है कि जो है अन्यथा यदि हम केवल जो है एक शास्त्र को देखकर हम ये सोचते हैं कि हम इस ग्रंथ में ये कहा गया है तो ऐसा ही है और अन्य उसको मानने लगे, लेकिन फिर कभी कोई एक दूसरा गुरु हम कुछ और कहने लगे तो हम उसको मानने लगे, तो जो है इस तरह जो है हमारे अंदर कोई निश्चितता नहीं होता है। इसीलिए जो है तथागत गौतम बुद्ध ने उन्होंने कहा है कि जो है भिक्षुओं जो है आप सबको जो है मेरे ये वचन को जो है निरीक्षण परीक्षण करके जो है उसके बाद जो है विश्वास करना चाहिए। इसलिए नहीं विश्वास करना चाहिए कि जो है तथागत गौतम बुद्ध मैं स्वयं जो है एक बहुत बड़ा हूँ और पवित्र हूँ ऐसा मानकर जो है मेरे अनुयायी आप लोगों को नहीं बनना चाहिए। इसलिए नालंदा के महान जो आचार्य थे उन्होंने जो है तथागत गौतम बुद्ध के जो सूत्र हैं, संधि निमोचन सूत्र, उसी को तथागत आचार्यों ने, नालंदा के आचार्यों ने जो है उसका नया अर्थ और नितार्थ के उन्होंने जो है परंपरा उन्होंने अपनाया था। इसलिए जो है उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के वचनों को ही परीक्षण करते हुए उसका
नयार्थ के रूप में उन्होंने जो है नालंदा के आचार्यों ने मुख्य रूप से युक्तियों के सहारे से ही उन्होंने अपने शास्त्रों की रचना की है। तिब्बत में जो है विशेषकर 6 अलंकार माने गए हैं और जो भी बौद्ध धर्म के जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो जो है अध्ययन करते समय जो है 6 अलंकार जो आचार्य थे उनको मानते हैं। लेकिन मैंने जो बाद में जो है नालंदा के 17 सिद्ध पंडितों को विशेषकर उनकी स्तुति करते हुए उनको मैंने एक इसलिए जो ये बहुत ज़रूरी है कि इन 17 नालंदा महापंडितों के जो शास्त्र हैं उनको जो है विशेष रूप से हमें जो है अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि केवल हमें जो है ये ना मानकर कि एक आचार्य के ग्रंथ के ऊपर विश्वास ना करके अनेक आचार्यों के जो है आचार्यों के ग्रंथों को मानना चाहिए। इसलिए जो है केवल ये ना करें कि जो है ये इस शास्त्र में कहा गया ये सर्वोच्च है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और इसके लिए जो अनेक युक्तियों द्वारा उसका स्थापित करना चाहिए। आजकल जो है वैज्ञानिक जो है एक इस तरह से वैज्ञानिक को देखा जाता है कि वैज्ञानिक जो हैं एक सत्य की खोज में निकले हुए हैं। इसीलिए जो वैज्ञानिकों को जो है उनको जो है वैज्ञानिकों को एक साधारण एक ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत ही तथागत गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत जो हैं तथागत गौतम बुद्ध के जो वचन हैं बुद्ध वचन हैं वो जो है अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत है। इसलिए आज जो है हम उनके जातक माला के ऊपर मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। अपने जीवन में जो है स्वयं को कमतर मानना और दूसरों को जो है विशेष स्थान देना, इस तरह के जो है विचार रखकर चलना और तथा कर और इसी तरह जो है आकाश पर्यंत सत्यों के कल्याण करना, इस तरह की जो है महाकरुणा की भावना जो है अपने मन में उत्पन्न करना, ये जो है अब बहुत ही अद्भुत है। एक तथागत गौतम बुद्ध पहले अपने एक जन्म में जो है राजा जो सभी और विजयी हुए हैं इस सभी क्षेत्रों में विजयी ऐसे राजा हुए थे। ये शास्त्र जो है अत्यंत ही रुचिकर है। वो राजा जो है बहुत ही विद्वान थे और उनके अहंकार थोड़ा सा भी नहीं था और अपनी
लोगों के प्रति बहुत ही वो दया भाव रखते थे और जो है सभी को जो है बहुत हमेशा दान इत्यादि करते रहते थे। इसलिए जो है वो विशेषकर जो है दानशील का वो जो है दान का अभ्यास करने वाले थे। इसी तरह वो राजा जो है दान का अभ्यास करने वाले थे। तो इस तरह जो है वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों ने उनके बारे में सुना और उनसे जो है दान लेने के लिए वहाँ पर आए और उन्होंने जो है उस राजा के जो है स्तुति में गुणगान बहुत किया। तो गुणगान करने के बाद Thank you.
तिब्बत में जो है कदम परंपरा के छः ग्रंथों को माना गया है, जिसमें कदम शुंबाबा, लामरिम्पा और मेंगापा तीन हैं, मुख्य रूप से तीन हैं। कदम शुंबाबा जो हैं विशेषकर जो है जो शास्त्रों के ऊपर जो है तीन पुरुषों के मार्ग के बारे में कहते हैं, चर्चा करते हैं। इसी तरह जो जातक और को जो है श्रद्धा के तंत्र माना गया है। इसी तरह जो है बोधिचर्य अवतार जो और शिक्षा समुच्चय जो है चर्या के ग्रंथ के रूप में माना गया है। इसी तरह जो है सूत्रालंकार और बोधिसत्व भूमि को जो है बोधिसत्व इन दो को जो है ध्यान के ग्रंथ के रूप में माना गया है। इसलिए यहाँ जातक को जो है मुख्य रूप से श्रद्धा के एक ग्रंथ के रूप में माना गया है। मैं हमेशा में जो है बौद्ध विश्वविद्यालयों में मैं कहता हूँ कि जो है जो तेज तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उनको जो है विशेषकर प्रज्ञा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो है जिनकी बुद्धि उतना तीक्ष्ण नहीं है वो जो है श्रद्धा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देते हैं। इसलिए जो है शास्त्र प्रज्ञा पारमिता और मार्ग पारमिता और फल प्रज्ञा पारमिता के ऊपर, इसलिए धीरे धीरे प्रज्ञा पारमिता के ऊपर तथा प्रज्ञा के ऊपर आधारित जो श्रद्धा जो है वो जो है बहुत ही मौलिक होता है, बहुत ही मजबूत होता है। प्रज्ञा पारमिता के जो शास्त्र हैं बहुत ही मूल्यवान हैं, ऐसा सोचने मात्र से ना रखें, केवल जो है ये बहुत पवित्र ग्रंथ हैं ऐसा मानकर यदि हम चलते रहें तो वो जो है केवल श्रद्धा मात्र हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमें 21वीं शताब्दी की बौद्ध हमें बनना चाहिए। 21वीं शताब्दी की बौद्ध किस तरह का होगा वो है जो अपने आप में जो विचार नहीं कर पाते उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो जिनके अंदर जो है बुद्धि हैं जो विचार कर सकते हैं उनके लिए जो है एक शास्त्रों का जो है परीक्षण करके उसके बाद जो है परीक्षण करने के बाद उस पर आधारित एक प्रज्ञा जो उत्पन्न होती है, उस प्रज्ञा पर आधारित जो श्रद्धा जो उत्पन्न होता है वो जो है सही मायने में जो 21वीं शताब्दी की बौद्ध है।
इसलिए जो है यदि आपके अंदर इस तरह की जो है प्रज्ञा और श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न होता है तो किसी के साथ भी आकर कोई चर्चा करना हो, वाद विवाद करना हो, तो आप में जो है एक और इसके बाद जो है चित्त शोधन की अष्टपदावली और प्रतीति संपाद की स्तुति, ये ग्रंथ अब इसके ऊपर मैं विचार करूँगा, इसे प्रवचन करूँगा। इन दो ग्रंथों को मैंने जो है प्रकाशित करने के लिए मैंने कहा था, तो इन्होंने यहाँ इसका प्रकाशन किया है। इसका जो है प्रकाशन करने के पीछे मेरा प्रयोजन उद्देश्य यही था कि जिस तरह अभी जातक माला में कहा गया है कि जो बोधिचित उत्पन्न करना, बोधिचित उत्पन्न करने से जो है स्वार्थ होने का जो दुर्गुण है तथा दूसरों के जो के कल्याण की जो भावना करने से जो जो लाभ है उसके बारे में यदि हम विचार करते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो इसमें जो है बोधिचित उत्पन्न करने और बोधिचित अभ्यास के लिए जो ग्रंथ है उसमें जो है बोधिचर्य अवतार बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होता है। उसमें विशेषकर जो है छठवें अध्याय में जो शांति का जो अध्याय है उसमें जो है किस तरह से हमें जो है क्रोध को निराकरण करना है और शांति का अभ्यास करना है उसमें बहुत ही विस्तारपूर्वक कहा गया है। इसलिए जो है शांति पार शांति अध्याय है उसका जो है हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। उसी तरह जो है ध्यान अध्याय में बोधिचर्य अवतार के ध्यान अध्याय में उसमें जो है हमें एक स्वार्थ होने का अपने आप को एक स्वप्रिय ग्राह्य अपने स्वयं को जो है प्रिय मानना, इस तरह के जो है यदि हम भावना हम रखते हैं तो उसका क्या दुर्गुण है, क्या दोष है, उसके बाद वहाँ बहुत ही विस्तार से बताया गया है। स्वप्रिय ग्राह्य यदि हम यदि इस तरह की भावना रखते हैं तो उससे जो है हम उसी से जो है हम संसार में बार बार आते हैं, उसका प्रतिपक्ष उसको निराकरण करने में जो है बोधिचित तथा महाकरुणा जो है हमें लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरों के प्रति कल्याण करने की जो भावना यदि हमें उत्पन्न होता है तो उसी से जो है अपने आप को जो है स्वप्रिय जो अपने आप को जो प्रिय मानना उसको जो है निराकरण करता है महाकरुणा के द्वारा। दूसरों को जो है दूसरों को देखते ही जो है मन में प्रसन्नता होना, दूसरों को जो है कल्याण करने की भावना पैदा होना और दूसरों को जो है बहुत ही महत्व देने के ऐसा विचार यदि हम उत्पन्न करते हैं तो जो है अहम की जो भावना है उसको दूर करने में हमें फ़ायदा होता है। इसलिए जो है गिशे तिब्बत की गिशे लांगिन थाम्पा जो है बोधिचित के ऊपर अभ्यस्त हो चुके ऐसे महान विद्वान थे। ये जो ग्रंथ जो है बहुत ही छोटा ग्रंथ है, यदि हम इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं और बीच बीच में यदि हम इसके ऊपर हम विचार करते हैं तो हमें जो है एक बोधिचित उत्पन्न करने में बोधिचित का अभ्यास करने में सहयोग मिलता है। हमें जो है इस संसार में जो है बार बार आने का जो मुख्य कारण है वो जो है अपने आप को जो है बहुत प्रिय ग्राह समझना, अपने आप को महत्व देना और दूसरों को जो है तिरस्कार करना, दूसरों को अवमान ना करना, उसी से ही जो है हम हमारे ये सब सारे दुखों का कारण है। यदि हम इस तरह की भावना रखते हैं तो बुद्धत्व प्राप्ति तो दूर की बात है। इस जन्म में भी जो है हमें कई हमारे मन अशांत रहता है। अभी देखिए इस
अभी वर्तमान परिस्थिति देती है कि स्त्रियां भी जो है कितना अशांत है। ये अशांत का मुख्य कारण यही है। विश्व में जो है तकरीबन 7 अरब लोग हैं। तो ये लोग जो है अगर हम देखते हैं तो लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, एक दूसरे के प्रेम के ऊपर निर्धारित हैं। और कोई भी हैं जो तो प्रेम को जो है चाहते हैं और जो क्रोधित होने वाले हैं उसको उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति हम प्रेम रहते हैं प्रेम करते हैं तो जो ये हमारे लिए लाभकारी है, दूसरों के लिए लाभकारी है। और इसके अलावा यदि हम केवल अपने आप बारे में सोचते रहते हैं तो केवल जो है हम अकेला रह जाते हैं और जो है हमें मित्र भी नहीं, कोई मित्र नहीं मिलता है। हमें जो है कई प्रकार की दुख जो है, कष्ट जो है इसी से ही होता है। और ये हम केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं तो दूसरों के प्रति हम जो है दूसरों के प्रति शंका करते रहते हैं, संदेह करते रहते हैं और हमें कोई मित्र नहीं रहते। और इसीलिए आज इस दुनिया में जो है जितने भी जो कष्ट हैं, अशांत हैं, वो सब जो है लोगों के द्वारा बनाया गया है। बड़े बड़े देशों में हो या चाहे छोटे छोटे देशों में, इसी से ही मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया संकट हमारे सामने है। एक परिवार के अंदर हो तो परिवार के अंदर भी जो है एक स्वार्थी मन में, स्वार्थी विचार वाला हो तो जो परिवार में अशांत रहता है। अगर हम जानवरों में भी देखते हैं, मान लीजिए एक बिल्ली यदि एक जो है कई बिल्लियों के साथ रहता है तो वो जो है बहुत ही आराम से रहता है, आरामदायक रहता है, सुखपूर्वक रहता है। इसीलिए जो है यदि हम स्वार्थी बनकर रहते हैं तो जो है उससे तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति तो दूर की बात। हमें जो है इस संसार में भी हमें सुख मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है स्वप्रिय ग्रह जो है स्वप्रिय ग्रह से जो है हमें, इसलिए सबसे पहले जो है हम अपने, एक शास्त्रों में कहा है कि हम जो है अपने बारे में ही, केवल अपने बारे में विचार करते रहते हैं, इसी विचार से ही हम संसार में जो है भ्रमण करते रहते हैं। अपने बारे में विचार करते हैं, अपने पक्ष के बारे में विचार करते हैं, दूसरों के बारे में विचार नहीं करते हैं। तो देखिए अभी जो है इस तरह ये में जो है बड़े बड़े जो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब जो है इसी स्वार्थी भाव के कारण है, इसी विचार के कारण है, जो है राग द्वेष मोह के कारण है इस तरह का लड़ाइयाँ हुई हैं। और इस तरह लड़ाई होने से जो है ना स्वयं को जो है भी दुख होता है, स्वयं अपना मन भी अशांत रहता है, दूसरों को भी हम अशांत करते हैं। इसलिए जो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है स्वार्थी जो विचार है, अपने स्वप्रिय ग्राह है, अपने आप को बहुत ही प्रिय मन, ये जो है दोष है, इसे जहाँ तक हो सके दूर करने का अभ्यास करना चाहिए। स्वार्थी बनना ये जो है हमारे दुखों का मुख्य कारण है। और जो है इसीलिए जो है सुख का कारण जो है दूसरों के प्रति कल्याण का भाव रखना, दूसरों को का हित कैसे करें इस तरह विचार करना। तो इसलिए ये जो है चित्त शोधन की जो है अष्ट पदावली जो है बोधिचित्त और शून्यता के बारे में कहा है, इसलिए मैंने जो है इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए कहा था। ये शिलांगता जो बोधिचित्त के अभ्यास करते रहे थे तथा दूसरों पर और स्वयं को जो है परिवर्तन की इस तरह कि वो जो अभ्यास करते थे, वे जो सही मायने में जो है बोधिचित्त में अभ्यस्त थे, वे इस तरह कह रहे हैं, मैं समस्त तत्वों को चिंतामणि से भी बढ़कर परमा सिद्धि के आशय से सदैव प्रिय रूप में ग्रहण करूं। इसका मुखागम जो है मुझे लिंग रिंपोची जी से मुझे प्राप्त हुआ है।
आप भी देखिए जो संपत्ति है तथा अन्य जन्मों की जो हमें सुख है, वो जो है जितना भी हो जो है प्राणियों के प्राणियों पर आधारित होकर हमें जो है मिलता है। इसी तरह जो है लंबी आयु हो, बीमारी का ना होना और जो है बाधाओं का ना होना, जो है ये सब जो है सभी प्राणियों पर आधारित होकर ही हमें मिलता है। सूत्र में कहा है कि गति गति पार गति पार संगत, इसी का अर्थ भी यही है कि हमारे मन जो है अभी सत्य ग्रह में के वश में होकर जो है हम सत्य ग्रह के वश होकर जो दोष हैं उन दोषों को जो है धीरे धीरे जो है अभ्यास करते हुए धीरे धीरे जो है पांच मार्गों में जो है संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग और दर्शन मार्ग, इसी तरह जो है भावना मार्ग और आशीष मार्ग में जो है हम धीरे धीरे हम उस इन मार्गों में साधना करने से हम पहुंचते हैं। यदि हम जो है बोधिचित और शून्यता की जो दर्शन है, शून्यता की जो दृष्टि है, हम इन दोनों के ऊपर आधारित यदि हम आधारित करके अभ्यास करते हैं, इसीलिए जो है अभी तात्कालिक हो या दूरगामी हो उसके लिए जो है सत्वों पर आधारित पर ही हमें जो अभ्यास करना है। जहाँ कहीं भी चीन से भी जब मेरी संगति हो, दूसरों की अवमानना करना, दूसरों को सताना, जैसे कि हम किसी को दान देते हैं तो दान देते समय हम जो है अपने आप को बहुत ही ऊपर बहुत ही ऊंचा मानकर और दूसरों को जो है नीच जैसा मानकर हम इस तरह दान करते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए जो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम दान करते हैं तो दान करते समय जो आदर भाव से दूसरों को दान करना चाहिए। हम जो है जिस प्रकार एक जानवरों को जो है जानवरों को कुछ दान करते हैं तो जानवर लोगों को दान करते हैं तो एक जानवरों को दान करने जैसा एक नीच भाव से हम दान करते हैं तो वो जो है उचित नहीं है। इसीलिए जो है हमें जो है आदर भाव से दान करना चाहिए। रत्नावली में जो है अविद्या के धर्म के बारे में जब कहते हैं पहले जो है अविद्या का अभ्यास, अविद्या की पद प्राप्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद जो है निःश्रेयस पद के लिए अभ्यास और चतुशतक में भी इसी तरह कहा गया है। मुझे जो है एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है तो ये इसका ये कि मेरा उम्र काफ़ी हो गया है। जहाँ कहीं भी जिनसे भी मेरा संगति हो, स्वयं को सभी से निम्न रूप में देकर दूसरों को पूरे मनोमयोग से श्रेष्ठतम प्रिय रूप में ग्रहण करूँ। समस्त आचरण का अपनी चित संतति में परीक्षित कर तथा क्लेश के उत्पन्न होते ही स्व और पर के हानिकारक होने से प्रबल उपाय द्वारा सामना कर प्रतिकार करूँ। इसीलिए जो है जो प्रत्यक्ष दुष्प्रवृत्ति के प्राणियों को प्रचंड पाप और अत्यंत दुख से पीड़ित देखने पर रत्न के प्राप्ति के समान दुर्लभ होने से मैं प्रिय के रूप में ग्रहण करूं। दूसरों को जो अवमानन नहीं करके दूसरों को जो है एक अच्छे दूसरों को जो है एक उच्च स्तर में एक आदर भाव से देखना चाहिए। मुझे दूसरों के द्वारा ईर्ष्यावश गाली और निंदा इत्यादि के अनुचित व्यवहार करने पर भी स्वयं हानि उठा लूं और दूसरों को लाभ अर्पित करूं। जिनका मैंने उपकार किया और जिनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं उनके द्वारा मुझे अत्यंत अनुचित हानि पहुंचाने पर भी परम कल्याण मित्र के रूप में उन्हें देखूँ। इसीलिए जो है हमें जो लौकिक जो धर्म है उसके ऊपर हमें नहीं उसके ऊपर हम उस दोष को हमें दूर करना चाहिए है। जैसे कि हम जो है मान लीजिए कि मैं मुझे कोई देख रहा है और उनके द्वारा एक आडंबर युक्त हम यदि हम जीवन जीते हैं तो इस तरह जो है
आडंबरी जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। संक्षेप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हित एवं प्राणियों को अर्पित करो, प्राणियों की बाधाओं एवं संपूर्ण दुखों को गुप्त रूप से मैं ले लूँ। यह सभी आठ लोग धर्म विचारों से मलिन ना हों और सभी धर्म माया स्वरूप जानने वाले बुद्धि के द्वारा विरक्त भाव से बंधन से मुक्त हो जाऊँ। तथागत गौतम बुद्ध ने जो है शास्त्रों में जो है सत्य नहीं है ऐसा कहा है, तो सत्य कैसे नहीं है, हमें इस पर इसके ऊपर परीक्षण करना चाहिए। इसमें जो है माध्यमिक प्रासंगिकों के शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से कहा गया है और बुद्ध पालित शास्त्रों में जो है बहुत ही विस्तार से इस सत्य का ना होना उसके ऊपर कहा गया है। हमें जिस तरह से यदि जो है कोई भी जो चीज़ जो सामने से हमें जो दिखाई देता है यदि वो अपने आप में स्वभाव के रूप में यदि स्थित है तो वो जो है प्रतीति समुत्पाद कैसे हो सकता है। इसीलिए जो है स्वभाव से जो स्थित है तो फिर वो जो है प्रतीति समुत्पाद कैसे हो सकता है। तो ये जो है हमें विचार करने में सत्य के ना होने असत होने के होने में विचार करने में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। हाँ जयरमुचि जी के आशय प्रस्फुटि और के ऊपर यदि हम विचार करते हैं इसलिए जो जितने भी जो पदार्थ हमें जो दिखाई देते हैं वो केवल नाम मात्र है, वो जो है स्वभाव से सिद्ध नहीं है। महाविपश्यना शास्त्र में उन्होंने बहुत ही विस्तार से कहा है जो भी पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं वो केवल जो है नाम मात्र सिद्ध हैं, इसका जो है विस्तार पूर्वक उन्होंने कहा है। इसलिए जो आभास हमें होता है उसी तरह वो सिद्ध नहीं है। यदि हम इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें जो है ये मालूम होता है कि जो भी चीज़ हमें दिखाई देता है वो जो है केवल माया स्वरूप है। इसे जो है प्रतीति समुत्पाद स्तुति ये शास्त्र जो है आचार्य जी चौंखाबा जी का रचित है रचना है। नमो गुरु मन को खाए जिसको जानकर उपदेश देने वाले के अधिगम और देशन अनुत्तर होते हैं। प्रतीति समुत्पाद को जानकर उपदेश देने वाले उस तथागत की वंदना करता हूँ जिस अर्थ को जानने से जो है और जानने और जानना यथावत जानना तथा और उसे जो है प्रतीति समुत्पाद के रूप में जानना ऐसे जानने वाले तथागत गौतम बुद्ध ऐसे जानने वाले वो जो है उनका अधिगम और देशना जो अनुत्तर है। यहाँ पर यहाँ पदार्थों की धर्मों की शून्यता जो है उसका अर्थ जो है प्रतीत्य समुत्पात है। प्रतीत्य समुत्पात होने के कारण सभी धर्म जो है शून्य है। प्रतीत्य दूसरे को आश्रित होने से जो है इसी से दूसरों के आश्रित होने से ये संकेत है कि जो है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है और जो है समुत्पन्न के अर्थ से जो है वो जो है परंतु समुत्पन्न होने से जो है जो भी सुख दुख और इस सुख दुख जितने भी हैं वो केवल जो है नाम मात्र हैं, नाम मात्र के रूप में स्थित हैं ऐसा इससे कहा है। इसलिए जो है इससे जो है दो अंत हैं, उस अंत का उच्छेदन नहीं किया जा सकता है और प्रतिदिन समुत्पाद से ही जो है दो अंतों का निराकरण किया जा सकता है।
प्रतिदिन समुत्पात और ये क्यों आवश्यक है? जगत में जितनी भी विपत्तियां हैं उनका मूल अविद्या है, जिसको देखने से उसका निवारण होता है उसे प्रतिदिन समुत्पात कहा है। इसलिए जो है इस हमारे सारे दुखों का कारण जो है अविद्या है। कोई भी नहीं है कि जो दुख को चाह रखता है, दुख को चाहता है, कष्ट चाहता है, और उस दुख का कारण उसका दुख हो या उसका कष्ट हो, कोई भी जो है अपने आप नहीं हुआ है। कष्ट का उसका दुखों का कारण होता है, कष्ट का कारण होता है जो जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि का तो मानते हैं, तो वो भी ये नहीं कहते हैं कि जो है जहाँ दुनिया में जितने भी दुख हैं वो सृष्टिकर्ता ने बनाया है, उसका कोई कारण है। इसलिए जो दो अंतों का निराकरण करने के लिए, शाश्वत अंत और उच्छेद अंत को दोनों का निराकरण करने के लिए जो है, इसलिए जो है प्रतिति समुपात को कहा है। तब बुद्धिमान प्रतिति समुपात के मार्ग को आपके शासन का मर्म स्वरूप कैसे समझ नहीं पाएगा? इसलिए किसी को नाथ आपकी स्तुति करने के लिए प्रतिति समुपात की देशना के अतिरिक्त और अद्भुत माध्यम क्या मिलेगा? इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि जितने भी जो प्रत्ययों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, कारणों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो जो है कैसे स्वभावसिद्ध हो सकता है? स्वभावसिद्ध नहीं हो सकता, केवल वो जो है नाम मात्र है, संकेत मात्र है। इसका अर्थ यह है कि जितने भी पदार्थ हैं वो केवल पदित्य प्रतित्य समुत्पात हैं। इसीलिए जो प्रतिसमुत्पाद का क्या अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जो जो भी प्रत्यय पर आश्रित हैं वह स्वभाव से शून्य है। ऐसे वाचन करने से और अधिक आश्चर्यजनक सदुपदेश की विधि क्या हो सकती है? जिसका ग्रहण करने से वाचनों का अंतग्रह रूपी बंधन दृढ़ हो जाता है, वही विद्वानों के लिए समस्त प्रपंच जालों को छेद करने का उपाय हो जाता है। पदार्थवादी जो हैं वो जो हैं पदार्थों का सत मानते हैं। उनका कहते हैं कि यदि कोई चीज़ कोई आधार वहाँ ना हो तो किस तरह से जो है लाभ और हानि का हम बात कर सकते हैं? तो पदार्थवादी ये कहते हैं कि पदार्थ जो वहाँ स्थित है केवल जो है नाम मात्र नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए जो है वो जो है हेतु प्रतिति समुत्पात पर आधार करके वो जो है पदार्थों की स्थित मानते हैं। जो पदार्थ से जो स्थित मानते हैं तो उनका युक्ति यही है कि जो है एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि ऐसी देशन अन्यत्र दिखाई नहीं देती है। आप ही एकमात्र शास्त्र हैं, तैर्थिकों के शास्त्र को भी शास्त्र कहना लोमड़ी को सिंह कहने जैसी चाटुकारिता होगी। अहो शास्त्र, अहो शरण, अहो परमवादिन, अहो नाथ, मैं उस शास्त्र को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रतिदिन समुपात का सदुपदेश दिया है। हित कारण आपने जगत कल्याण के लिए शासन का सार, शून्यता की निश्चितता का अद्वितीय कारण की देशना की है। तैर्थिकों की परंपरा में अन्य परंपराओं के जो दर्शनों में जो है हमारे जो शरीर है उससे अलग एक आत्मा मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध दर्शन में जो हमारे जो जो आत्मा है, जो मैं है, वो केवल जो है हमारे शरीर के ऊपर आश्रित आत्मा है, शरीर के ऊपर आश्रित मैं है। इसलिए यदि जो है हम जो पदार्थवादियों को यदि हम कहते हैं
पदार्थवादियों को, यदि हम जो है पदार्थों के एक दूसरे को आश्रित होने पर, प्रतिति समुत्पात होने पर, यदि हम उनको कहने पर उनके लिए ये जो है विरोध युक्ति हो जाता है। प्रतिति समुत्पाद विधि को जो विरुद्ध और असिद्ध देखते हैं, वे आपके सिद्धांत को किस प्रकार समझ पाएंगे? यदि हम पदार्थवादियों को जो है हम पदार्थवादियों को यदि हम जो है प्रतिति समुत्पाद कहेंगे, तो उनके लिए जो है विरोध युक्ति हो जाता है। प्रतिति समुत्पाद विधि को जो विरुद्ध और असिद्ध देखते हैं, वे आपके सिद्धांत को किस प्रकार समझ पाएंगे? यहाँ पर जो शून्य का अर्थ ना होना नहीं है, शून्य का अर्थ खाली नहीं है या कुछ भी नहीं नहीं है। शून्यता का अर्थ ये नहीं, ये है कि जो भी पदार्थ हमको दिखाई देता है, जो आवास हमें होता है, वैसा नहीं है। हम यदि हम किसी भी चीज़ का हम निरीक्षण नहीं करते हैं, निरीक्षण ना करने पर हमें कोई भी अच्छे बुरा सुख दुख हमें दिखाई देता है। यदि हम निरीक्षण करते हैं उसका, किसी भी पदार्थ का निरीक्षण करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है सभी पदार्थ जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, सभी धर्म जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। इसी तरह फल जो है हेतु के ऊपर आधारित है, हेतु भी जो है फल के ऊपर आधारित है। इसलिए जो है आप जब शून्यता को प्रतिति समुत्पाद के अर्थ में देखते हैं, तब स्वभाव तो शून्य और कार्य कारण भाव का संगत आविरत होता है। जितने भी पदार्थ हैं केवल जो है व्यवहार मात्र जो है सिद्ध है, स्वभावतः सिद्ध नहीं है। लोग में जो है इस तरह व्यवहार किया जाता है, इसलिए जो है सुख दुख ये सब है सिद्ध है। प्रपंच रहित के जो सिद्धांत है, उस ये सिद्धांत जो है तंत्र में और सूत्र में, और इससे जो है जितने भी हमें जो है तंत्र में जो है इसका बहुत ही प्रतिति समुत्पाद के ऊपर बहुत ही विस्तार से व्याख्या है। हमें जितने भी आवास होता है, वो आवास केवल जो है प्रतिति समुत्पाद पर आधारित है। महामुद्रा और महासंपन्न आदि तंत्रों में जो है इसका विस्तार से चर्चा है। उससे विपरीत देखने पर शून्य में क्रिया का होना अनुपयुक्त है, तथा क्रियाशीलता में शून्य नहीं होता है। इसलिए ऐसा मत है कि व्यय के कगार में पतन हो जाएंगे। इसलिए आपके शासन में प्रतिति समुत्पाद का दर्शन ना सुप्रशंसित है, वो भी ना तो अत्यंत भाव है और ना ही स्वभाव सत्य है, निरपेक्ष पुष्प के समान, इसलिए अनाश्रित नहीं है। यदि स्वभाव सिद्ध होता है तो उसकी सिद्धि में हेतु प्रत्यय पर आश्रित हो जाना विरोधाभास है। इसलिए प्रतिति समुत्पाद के अतिरिक्त कोई भी धर्म नहीं है, अतः स्वभाव से शून्य के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है।
यदि कोई भी धर्म जो है स्वभाव सिद्ध होता है तो जो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण यदि धर्मों का कोई स्वभाव हो तो निर्वाण की प्राप्ति उपयोग नहीं होगा और सभी प्रपंचों का निराकरण भी नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। इसलिए विद्वत समुदाय में सिंहनाथ ने धर्म स्वभाव विरत है ऐसा बार बार सदुपदेश दिया है, इसका कौन उल्लंघन कर सकता है। स्वभाव तो कुछ भी नहीं है तथा अमुक पर आश्रित होकर अमुक की उत्पत्ति की सारी व्यवस्था युक्ति संगत है, ये दो बातें अविरत, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रतीत संप्राप्त होने के कारण अंतदृष्टि पर आश्रित नहीं है, ऐसा यह सदुपदेश नाथ आपका वचन अनुत्तर होने का कारण है। ये सब स्वभाव तो शून्य है और इससे ये फल उत्पन्न होगा, ये दो निश्चित निर्विघ्न पूरा परस्पर सहायक है, इससे अधिक आश्चर्यजनक और इससे अधिक उत्कृष्ट क्या हो सकता है। इस विधि से आपकी स्तुति की जाए तो स्तुति होगी, अन्यथा नहीं। मोह के वशीभूत होकर जो आपसे विद्वेष रखते हैं उन्हें निस्वभावता शब्द असहन हो तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। आपके बहुमूल्य वचन कोश प्रतीत संप्रदाय को स्वीकार कर शून्यता के दार से आसान हो जाना, इससे मैं आश्चर्य हो गया हूँ। निस्वभावता में ले जाने का अनुत्तर द्वार प्रतिदिन संवाद के नाम से ही स्वभाव ग्रहण करते हैं तो आप परम आर्य द्वारा सुगमन किए हुए अद्वितीय प्रवेश द्वार तथा आपको प्रसन्न करने वाले उस सुमार पर उन जनों को किस उपाय से ले जाया जाए। हम अक्सर कहते हैं कि ये जो है स्वभाव है, तो स्वभाव होने से हम ये मानते हैं कि जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्वभाव अकृत्रिम और निरपेक्ष है तथा प्रतीति संपात सापेक्ष और कृत्रिम है, ये दोनों एक ही आधार पर अविरुद्ध और संगत कैसे होगा। इसलिए जो प्रतीति संपात है वो आदिकाल से स्वभावतः विविक्त है तथापि वैसे ही आभास होता है, अतः इन सबको माया की भांति कहा है। हमारे अंदर जो है अविद्या के जो संस्कार हैं उस संस्कार से जो है कई तरह के प्रपंच हमारे अंदर आ जाते हैं। आपने जो निर्देश किया है उस पर कोई भी प्रतिवादी धर्मानुसार सामना नहीं कर सकता, वह इससे बलिवाद निज्ञात होता है। यदि क्यों कहें तो इसकी देशना से दृष्ट एवं अदृश्य वस्तुओं में समारोह और अपवाद का अवसर दूर हो गया है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो है प्रतिदिन समुपाद की जो देशना की है उसमें जो है आश्चर्य होता है। सबसे पहले जो है श्रुतमयी प्रज्ञा और चिंतनमयी प्रज्ञा और इसी तरह जो है तथागत गौतम बुद्ध के वचनों को बार बार निरीक्षण करके युक्तियों द्वारा परीक्षण करके जब और धीरे धीरे जो है एक प्रज्ञातम दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न होती है। आपके वचन को अनुपम देखने का हेतु प्रतीत संपाद का मार्ग है, इसी से अन्य वचनों को भी प्रामाणिकता निश्चित होता है। यथापूर्वक देखकर सुदेशना करने वाले आपके द्वारा शिक्षित होने पर सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि सभी दोषों का मूलोच्छेदन हो जाता है। आपके शासन से विमुख होकर दीर्घकाल तक परिश्रम करने पर भी दोषों को पीछे बुलाने जैसा होता है, क्योंकि आत्मदृष्टि सदृश होता है। जेरिमुचि जी ने बहुत ही अभ्यास साधना करते समय बहुत ही मेहनत किया है। उन्होंने आर्य मंजुश्री का दर्शन किया था। जब उनका दर्शन किया तो उन्होंने जो है उन्होंने दर्शन के ऊपर आर्य मंजुश्री से प्रश्न पूछा और आर्य मंजुश्री ने जब मंजुश्री ने उसका उत्तर दिया तो उन्होंने जेरिमुचि ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो आर्य मंजुश्री ने आर्य मंजुश्री ने कहा कि जो आपको जो है बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और जो है पुण्य का संचय करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे जो है माध्यमिक के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को आप जान पाएंगे।
इसलिए ये जो है कोई आसानी से जो है इसका जो है हम माध्यमिक दृष्टि को समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए जो है पुण्य संचय करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जेरिमोचि जो है उसके बाद निष्क्रिय साधना में चले गए और निष्क्रिय साधना आरम्भ मनीष ने उनसे कहा कि आपको जो है निष्क्रिय साधना में जाना चाहिए और जेरिमोचि के बहुत अनुयायी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो जेरिमोचि ने सोच उनसे कहा कि जो है मैं अगर मैं जो निष्क्रिय साधना में चले जाता हूँ तो निष्क्रिय साधना में मैं चला जाता हूँ तो जो है बहुत सारे लोगों को जो है इससे नुकसान हो। तो जब ऐसे आर्य मंजिश्री से कहा तो जो है आर्य मंजिश्री ने इसके उत्तर में कहा कि जो है लोगों के कहना नहीं करना, जो है लोग जो है कुछ कहेंगे तो उसके लिए आपको जो है शांति का अभ्यास करना चाहिए और बुद्ध शासन का इससे ह्रास होगा या नहीं होगा वो मैं खुद जानता हूँ। आर्य मंजिश्री ने उनसे इस तरह कहा था। इसी तरह जेरिमोचि जो है तिब्बत के कई क्षेत्रों में गए और निष्क्रिय साधना में रहते हुए और संचय और शुद्धि के अभ्यास में वो लगातार रहे। एक बार उन्हें जो है सौपन में जो है आचार्य नागार्जुन और बुद्धपालित इसी तरह अन्य आचार्यों का उन्हें जो है उनके सपने में आया और उन्होंने जब सुबह उठा और उसके बाद जो है बुद्धपालित शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया तो उसके जब उन्होंने उसमें जो है एक शास्त्र में जो वहाँ पर जो है जो आवास है उन्होंने वहाँ पर जो है बुद्धपालित शास्त्र में उन्होंने ये ज्ञान किया, ये अध्ययन किया कि जो है जितने भी जो दो अंत हैं, शाश्वत अंत हो उच्चेत अंत हो, इन अंत को दूर करने के लिए जो है हमें जो आवास हो रहा है वैसा नहीं है। उसके लिए जो है प्रतीति समुत्पाद के धर्मता को जानने पर जो है जो दो अंतों का निराकरण कर जो है उनके अंदर जो जेरिमोचि के अंदर जो है उन्होंने जो है तथागत गौतम बुद्ध के प्रति जो है विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुए तो उस श्रद्धा से उन्होंने इसकी रचना किया है। अनेक वचनों का क्या है क्या, और जब विद्वान इन दोनों का अंतर समझ जाएंगे तो अंतर्हृदय से आपका आदर क्यों नहीं करेंगे। आपके अनेक वचनों का तो कहना है क्या, अंश मात्र के सामान्य अर्थ नीचे होने पर उसे परम सुख देता है। मेरी बुद्धि मोह से नष्ट हो गई है, दीर्घकाल से शरणागत होने पर भी इस तरह के गुणों के पुंज अंश मात्र भी जान नहीं पाया। तथापि इस सौभाग्य की बात समझता हूँ कि मृत्युपति के और अभिमुख जीवनधारा के नष्ट होने से पूर्व आप में किंचित विश्वास तो हुआ है। देशनाओं में प्रति संपाद की देशना और प्रज्ञाओं में प्रति संपाद का ज्ञान ये दोनों जगत में जिनेन्द्र के बांधे श्रेष्ठ हैं। आप इसे भली प्रकार जानते हैं, अन्य नहीं हैं। आपकी जितनी देशना है वे प्रतिदिन संपाद से ही प्रवृत्त होकर प्रसन्न करते हैं, वे भी निर्वाण प्राप्ति के लिए हैं। आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो शांति के लिए ना हो और जिनके कर्ण में आपका शासन जाएगा वे सब शांत हो जाएंगे, इसलिए आपके शासन को ग्रहण करने में कौन गौरवान्वित नहीं होगा। समस्त प्रतिवादियों को पराजित करता है और पूरा पर विरोध से शून्य है। तो जो प्राणियों के दो अर्थों को प्रदान करता है ऐसी नीति मेरी रुचि बढ़ गई है। इसलिए आपने अनंत कल्पों में कहीं शरीर तो कहीं प्राण प्रियजन और संपत्ति राशि का बार बार त्याग किया है।
तथागत गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन से लेकर तृतीय धर्म चक्र परिवर्तन तक जो है प्रतिदिन संपात की देशना की है। यदि हम इसके ऊपर विचार करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। इसलिए जिसके गुणों को देखने से मछली जिस प्रकार मछली को अंकुशी की भांति मेरे मन को खींचने वाले उस धर्म को आपसे श्रवण नहीं कर पाए, ये मेरे भाग्य की न्यूनता है। इसके शोक वेग से मेरा मन उस प्रकार छोड़ता है नहीं, जिस प्रकार एक माँ का अपने प्रिय पुत्र के मृत्यु होने पर पीछे लगा मन, यहाँ पर भी आपकी देशनाओं का चिंतन करने पर 32 लक्षणों 80 अनुव्यंजनों की यहाँ पर भी आपकी देशनाओं का चिंतन करने पर 32 लक्षणों और 80 अनुव्यंजनों की श्री से प्रज्वलित तथा प्रभाजाल से सभी और आच्छादित उस शास्त्र ने ब्रह्म स्वर से इसे इस प्रकार कहा होगा। ऐसी कल्पना करते हुए मैं मन में मुनि के प्रतिबिंब का उदय होने मात्र से ही ताप पीड़ित के लिए चंद्र रश्मि की भांति करें। तथागत गौतम बुद्ध ने जो है शास्त्रों में जो है स्वभाव सिद्ध नहीं है ऐसा कहा है। कहीं पर जो उन्होंने जो है विनयजनों की जो मनोस्थिति के अनुसार जो है देशना की है, कहीं कहीं पर जो है उन्होंने शरीर से अलग आत्मा है ऐसा भी कहा है, लेकिन उन्होंने जो है अपने शिष्यों के मनोस्थिति के आधार पर जो उन्होंने इस तरह कहा है। अनुतंत्र में विशेषकर जो है माध्यमिक सिद्धांत के बारे में कहा गया है। आर्य असंग और वसुबंधन के शास्त्र जो है विशेषकर योगाचार के सिद्धांतों को बताते हैं। आचार्य भाव विवेक बहुत ही बड़े महान विद्वान हैं। उन्होंने जो है मध्यमक सार और तथा उसकी वृत्ति इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाव विवेक जो है आचार्य नागार्जुन के अनुयायियों में सबसे पहले ऐसे विद्वान हैं जो जिन्होंने जो है मध्यमक दृष्टि को स्थापित किया है। इस प्रकार के अद्भुत नेक नीति को भी अकुशल पुरुषों ने बलवच की भांति पूरी तरह से उलझा कर रखा है। इस तथागत बलवच एक घास का नाम है। इस स्थिति को देखकर मैंने अत्यधिक प्रयत्न से विद्वानों का अनुसरण कर आपके अभिप्राय का बारंबार विवेचन किया है। उस समय अपने तथा दूसरे वर्गों के अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने पर मेरा मन उत्तरोत्तर संदेह के जाल में संतप्त हो गया। जेरेमुचि ने मध्यमक की दृष्टि को सिद्ध इस तरह हुआ है, सत और असत अंतों का परिहार कर आपके अनुत्तर यान की विधि का यथावत व्याख्या करने के लिए जिनकी भविष्यवाणी की गई है उन आचार्य नागार्जुन के
अमल अधिगम की मंडल विस्तरण और प्रवचन आकाश में असंग विचरण करने वाले तथा अंतग्राह रूपी अंधकार का हृदय से निराकरण और मिथ्यावादी नक्षत्रों को अभिभूत करने वाले आचार्य नागार्जुन और आर्यदेव जो है शून्यता की व्याख्या बहुत ही विस्तार से बहुत ही और बुद्धपालिता और आचार्य चंद्रकृति ने जो है मूल्य माध्यमिका कारिका के उसका भावार्थ में जो है माध्यमिका अवतार के रचना की है। ये जो शास्त्र जो बहुत ही अद्भुत है, इसे जो है हमें एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। अमल अधिगम के मंडल श्री चंद्र के सुभाषित शुभ्रांशु माला से स्फुटित किए गए ग्रंथ को गुरु की कृपा से देने पर मेरे मन को विश्राम मिला है। सभी कृतियों में वाणी की कृति सर्वश्रेष्ठ है। यही होने के कारण विद्वजन इससे बुद्ध की अनुस्मृति करें, उस शास्त्र का अनुसरण कर प्रवचित होकर तथा जिन बुद्ध के वचनों को अध्ययन अनुपल करके योगचर्या में श्रम करने वाले एक भिक्षु आचार्य त्सोंगपा का उस महर्षि भगवान बुद्ध के प्रति इस प्रकार आदर उत्पन्न हुआ है। अनुत्तर शास्त्र के शासन का इस प्रकार दर्शन कर इस दुनिया में जो है बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे धर्म की देशना करने वाले हुए हैं, लेकिन हमें इसमें सबसे आवश्यकता ये है कि उनकी देशना का जो निरीक्षण करने के बाद, परीक्षण करने के बाद हमारे अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न होता है वो अपने आप में अनुपम है। अनुत्तर शास्त्र के शासन का इस प्रकार दर्शन गुरु की कृपा से हुआ है, इसलिए इन पुण्यों को भी संपूर्ण प्राणी सत्कल्याण मित्रों अनुग्रहित होने की हेतु के लिए परिणाम न करता हूँ। उचित कार्यभूत का शासन दुर्मिल रूप पवन से आकंपित होते हुए संसार के अंत तक रहें और शासन के स्वभाव को जानकर शास्त्र के प्रति विश्वास प्राप्त करने वाले सदैव बने रहें। प्रतिदिन संवाद के तत्व के प्रकाश मुनि की नेक नीति को सभी जन्मों में शरीर और प्राण को भी त्याग कर धारण करने में मुझे क्षण मात्र भी शिथिलता ना हो। उस परम नायक की अपरमित तपस्या के निष्ठासार द्वारा साधित इस देशना की समृद्धि किस उपाय से हो सकेगी, ऐसा विचार करते हुए दिन रात व्यतीत हों। शुद्ध अध्याशय से उस नीति में प्रतिष्ठित होते समय ब्रह्म इंद्र लोकपाल आदि महाकाल आदि रक्षक भी अनन्य मनस्कर होकर सदैव सहायता करें। तथागत गौतम बुद्ध के उनकी कृतज्ञता अनुस्मृति करने के लिए ये जो शास्त्र जो है बहुत ही उपयोगी है। अन्य धर्मों में जो है ईसाई धर्म में जो है जीसस क्राइस्ट है और इस्लाम धर्म में जो है अल्लाह मोहम्मद, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, लेकिन जो है किसी भी कोई भी शास्त्र हो उन शास्त्र को श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए जो उनमें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन शास्त्र में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए परीक्षण करके निरीक्षण करके जो है हमें करना चाहिए। सभी धर्म जो है एक समान है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई धर्म बड़ा है, कोई ये धर्म छोटा है। मैं पूरे अपने मन से कहता हूँ कि कोई धर्म बड़ा है, मैं ये नहीं कहता हूँ। सभी धर्म जो है एक समान रूप से एक समान है। मेरे एक जानकार, एक मेरे मित्र, एक भारतीय मित्र हैं, उन्होंने एक बार मुझे बहुत ही एक संदेहपूर्वक मुझे प्रश्न पूछा कि ये दुनिया जो है पूरा सृष्टिकर्ता ने, एक रचयिता ने, विधाता ने रचना की है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो है ये सृष्टि जो है सृष्टिकर्ता ने बनाया है, विधाता ने बनाया है, तो इस दुनिया में जो है इतने सारे जो है दुख हैं, कष्ट हैं, अशांत क्यों हैं। तो मैंने उनसे इस तरह का प्रश्न पूछा, मजाक में उनसे इस तरह के प्रश्न पूछा था। सभी धर्म के शास्त्र यही कहते हैं कि जो उनके जो शास्त्र जो हैं, उनके विधाता जो हैं, वो जो हैं प्रेम करुणावान हैं, प्रेमवान हैं, प्रेम। तो अभी ऐसा
यदि वे सही मायने में ऐसा हैं तो मेरा तर्क यही है कि अभी ऐसा समय आ गया है, क्योंकि पूरा दुनिया में अशांत है, तो अब समय ऐसा आ गया है कि जो है इस दुनिया को जो है अब भंग किया जाए। बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध के वचनों को भी जो है केवल जो है श्रद्धा के रूप में नहीं माना गया है, उसे इसलिए जो है बौद्ध धर्म में जो है कई सिद्धांत दिखाई देते हैं, वैभाषिकों का है, स्वतंत्र का है, योगाचार और इसे माध्यमिकों का अपने अपने स्तर पर, अपने अपने बुद्धि स्तर पर जो है तथागत गौतम बुद्ध के वचनों को जो है वचनों की व्याख्या करते हैं। और यदि इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो अपने मन को शांत करने, अपने मन को जो एकाग्र करने और करने के लिए जो है हमें बहुत लाभ होता है। अब मैं जो है नालंदा के 17 महापंडितों की स्तुति का प्रवचन करने जा रहा हूँ। लोकहित की करुणा से उत्पन्न श्रेष्ठ हान विबोध एवं त्राण को संप्राप्त प्रतितिज वार्ता से बोध करता देव देव मुनिंद्र वादि सूर्य तुम्हें शिर से प्रणाम है। जिन जन्म भावार्थ अंतर्हित तत्वार्थ का प्रतिपाद की गंभीर युक्ति से देशनापटु जिनके व्याकरणवत्त ज्ञानोत्तम मध्यमक न्याय के प्रणेता नागार्जुन को नमन है। उनके शिष्य ज्ञात्री श्रेष्ठ सिद्धवर स्वप्रसिद्धांत सिंधु पारंगत नागार्जुन परम्परा तारकों के शिरो रतन श्री आर्यदेव जिन पुत्र को प्रणाम है। प्रतीत समुपात आर्य सम्मत है, चरण अर्थ प्रज्ञप्त नाम मात्र, इस गंभीर मर्म का देष्टा, उत्कृष्ट सिद्धियों की भूमियों को संप्राप्त बुद्धपालित के चरणों को प्रणाम करता हूँ। आचार्य बुद्धपालित के द्वारा रचित बुद्धपालित ग्रंथ में जो है ये जो उत्पन्न है वो केवल जो है उत्पत्ति है, केवल जो है व्यवहार में व्यवहार मात्र है, ऐसा कहा है। सत्य वस्तुओं के उत्पाद आदि अंतों का खंडन कर सामान्य भाषित बाह्य अर्थ को प्रणाम मानने के सिद्धांत प्रतिष्ठापक पंडित और आचार्य भव्य को प्रणाम करता हूँ। आचार्य भाव विवेक ने जो है बुद्धपालित रचित ग्रंथ में उन्होंने जो है थोड़ा सा वाद उत्पन्न किया है। उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं, तो ये बहुत ही आवश्यकता है कि जो है शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय जो है उसका एक तुलनात्मक विवेचन किया जाए। इसी प्रत्येता मात्र से ही प्रतिदेश के अंतद्वयवारक आवास शून्य मध्यम गंभीरोदार ने के उपदेश दक्ष सूत्रतंत्र परिपूर्ण मार्ग के व्याख्याता नमन चंद्र कृति को मध्यमक सार का व्याख्या जो है तर्क ज्वाला, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कल परसों जो है मध्यमक सार के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे।
मैं जब मेरे बचपन में लिंगनुमचे मुझे बार बार कहते थे कि जो है मेरा जो है आचार्य बाबा विवेक के प्रति जो है विशेष उनका श्रद्धा है, इसलिए जो है मेरा भी जो है धीरे मेरा भी जो है जिस जब मैं आचार्य बाबा विवेक के शास्त्रों को अध्ययन किया तो उनके प्रति मेरा बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हुआ। आचार्य बाबा भी बहुत ही बड़े विद्वान थे। मुझे कई गुरुओं ने कहा था कि जब आचार्य बाबा विवेक को सिद्धांतों का हम बहुत बार खंडन करते हैं, लेकिन आचार्य बाबा विवेक यदि स्वयं यहाँ पहुँच जाएँ तो आचार्य बाबा विवेक जो कहते हैं तो उसे जो है हमें मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, हमें मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। महाविद्वान कैलकुन कुंगा वांगचू से मैंने अनुरोध किया था कि मुझे आप जो है मध्यमाक्षर के एक व्याख्या की रचना कीजिए, तो उन्होंने उसका रचना किया है। इसी प्रतिता मात्र से ही प्रतितेश के अंत द्वैवारक आवास शून्य मध्यमक गंभीर उदार ने के उपदेश दक्ष सूत्र तंत्र परिपूर्ण मार्ग व्याख्यात ऐसे चंद कृति को नमन है। आचार्य अद्भुत महाकरुणा पथ को विविध गंभीर उदार युक्तियों के नए से सुभग विनियों के उपदेशों में प्रवीण जिन पुत्र चांदी देव प्रणाम है। विनय के आश्य सम द्वैती शून्य मध्यमक मार्ग की परंपरा के मध्यमक और प्रमाण युक्ति न्याय में विविध हिमवत प्रदेशों में जिन शासन विस्तार शांत रक्षित महोपाध्याय को प्रणाम करता हूँ। अंतरहित मध्यमक दर्शन युगनत शमत विभसना के भाव क्रम का सूत्र तंत्र सम्मत है। समय विस्तार कर हिम प्रदेश में जिन शासन के विस्तार निभ्रांत कमल शिल्पात को प्रणाम है। तिब्बत में जो है बीच जो है आचार्य शांति देव के जो बोधिचर्या अवतार का अध्ययन अध्यापन बहुत कम हुआ था, लेकिन मैंने जो है बाद में जो है नेगिरी मुझे तेंजिंग गैलसिंग जी के इससे श्रुति प्राप्त किया था। मैं अपने आज विषय में जो है बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार है, लेकिन बौद्ध धर्म के देशों में बौद्ध देशों में कहें तो जो है नालंदा परम्परावादी जो हैं तिब्बत में ही इस तरह के नालंदा परम्परावादी हैं, जो कि न केवल जो है एक शास्त्र को उसमें जो है प्रमाण जो है प्रज्ञापारमिता मध्यमक और विनय आदि शास्त्रों को जो है शास्त्रों पर अध्ययन होता है। इसीलिए जो है तिब्बत के जो है महान धर्म राजों ने जो है संस्कृत में जितने भी संस्कृत के धर्म ग्रंथ थे उनको जो है तिब्बती भाषा में बोडी भाषा में अनुवाद करने का उन्होंने इतना
इसीलिए जो है वर्तमान समय में मैं अपने अभ्यास से कह सकता हूँ, अनुभव से कह सकता हूँ कि जो है वर्तमान में बौद्ध धर्म को जो है बौद्ध धर्म को गंभीर रूप में और विस्तार पूर्वक उसका जो है व्याख्या करना हो या उसका अध्ययन करना हो तो भोटी भाषा में के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब जो है संस्कृत को जो है तिब्बत के महान अनुवादक जब संस्कृत को जब तिब्बती भाषा में अनुवाद कर रहे थे तो वहाँ पर कई शब्दों का अभाव हो रहा था, तो उन्होंने कई नए शब्दों की संरचना भी किया है। संस्कृत वर्तमान में जो है संस्कृत में जो है बहुत ही कम लोग हैं जो संस्कृत के जानकार हैं, इसीलिए जो है नालंदा के जो आचार्यों की जो आचार्य द्वारा रचित जो संस्कृत में जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को जो है अभी व्याख्या करना हो या उसका अध्ययन करना हो तो जो है तिब्बती भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं है। इसलिए जो है पहले के जो जितने भी जो धर्मराज थे वो धर्मराज और महान अनुवादों का हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा है और हम कह सकते हैं कि जो है यही वस्तु स्थिति है और हम कह सकते हैं कि जो है भोटी भाषा और तिब्बत जो देश है वो जो है हम कह सकते हैं कि जो है हम अपने आप को गर्व अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं। वैसे अक्सर देखा जाता है कि जो है कई लोग जो है वैज्ञानिकों के साथ चर्चा परिचर्चा करने में जो है थोड़ा असहज हो जाते हैं, लेकिन जो है नालंदा आचार्यों द्वारा जो रचित ग्रंथों के जो अध्यापन कर चुके हैं वे जो है जब इन वैज्ञानिकों के साथ परिचर्चा के लिए जाते हैं तो जो है गर्व के साथ उनके साथ परिचर्चा कर सकते हैं और जो है और इसी से यही दर्शाया जाता है कि जो है पूर्व के जितने महान आचार्य हुए हैं उन आचार्यों और तिब्बत के जो महान अनुवादक और धर्मराज और विद्वानों के उनके अनुकंपा से ही जो है हम जो है अभी एक हम अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं, हम गौरवान्वित हो सकते हैं। पूर्व में जो है हम जब तिब्बत में थे तो केवल हम तिब्बत के अंदर तक ही सीमित थे, लेकिन जब बाद में जब हम जो है निर्वासन में जब आए हैं, निर्वासन में आने के बाद जो है हम कई लोगों के संबंध में हम आए और उसके बाद जो है कई लोगों से हमारा मिलना हुआ और उनके दूसरों के शास्त्रों को दूसरों के सिद्धांतों को समझने में हमें अवसर मिला और हम और ऐसे में जब उनके साथ हम तुलना करते हैं तो जब नालंदा के आचार्यों के द्वारा रचित इन आचार्यों को देखते हैं तो हम जो है हमें गर्व महसूस होता है और एक तरह से जो है हम जो है निर्वासन हो तो गए हैं लेकिन हमें जो है खुशी एक हिसाब से हमें इसका लाभ हुआ है। इसलिए जो है हमें निर्वासित होने में हमें जो है दुख होने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो है हमें जो है कई अवसर ऐसे मिले हैं जहाँ से हम जो है जो नालंदा आचार्यों के तिब्बती बौद्ध धर्म है इसके जो है दूसरे लोगों तक पहुँचाने में हमें जो है मदद मिला है। हमारे इस प्रकार के जो मनोबल है इस मनोबल को बनाए रखना चाहिए। हम जो है एक स्वतंत्र देश भारत में हैं तो ऐसे में जो हमारे पास बहुत सारा अवसर है कि हम जो है एकत्र होकर एकता बल से जो है बौद्ध धर्म हो और तिब्बत की संस्कृति हो इसके प्रचार प्रसार में हम लगे रहें। तिब्बत में जो पहले जो है
जब मैं तिब्बत में था तो जो है तिब्बत के जो तीन बड़े प्रांत थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि तिब्बत के तीनों प्रांत जो है एकजुट हैं। लेकिन अभी जब हम निर्वासित हुए हैं उसके बाद हम मुझे लग रहा है कि हम तिब्बत के जो तीनों प्रांत हैं जो हैं एक तीनों प्रांतों में जो है एकता का जो विचार है वो आया है। चीन देश जो है पहले जो है तिब्बत के राजाओं के साथ चीन का पहले संबंध था। वर्तमान में जो है चीन हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो है चीन जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है जितनी भी चीनी जनता हमारे साथ इस तरह का भाव नहीं रखते हैं और हमारा भी उनके प्रति इस तरह का भाव नहीं है। हम जो है तिब्बत की आज़ादी के लिए जो है हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तिब्बत की जो है ऑटोनॉमी के लिए हम जो है इसलिए जो है हमें प्रार्थनाओं में हम जो है सभी प्राणियों के लिए हम विचार करते हैं। हम केवल जो है अपने एक विशेष क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सभी प्राणियों के बारे में हम विचार करते हैं। ये जो है हम जैसे बोलते हैं हम वैसे ही हम हमारा उद्देश्य भी है, आशय भी है। इसलिए जो है अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक है, अनंत पृथ्वी है। इसलिए जो है हम अन्य प्रदेशों में, अन्य पृथ्वी लोक में हम जो वहाँ पर रहने वाले प्राणियों को हम जो है लाभ नहीं पहुँचा सकते हैं, और यदि हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो केवल इसी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का हम हित कर सकते हैं। जानवरों और कीड़े मकड़ों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो सामर्थ्य हैं हम जिनको हित कर सकते हैं तो जो है वो केवल मनुष्यों का हित कर सकते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए जो व्यवहारिक तौर पर जो है दूसरों को जितना हो सके हम दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं तो केवल मनुष्य। इसीलिए जो है तिब्बत की जनता जो है उनका तिब्बत की जनता इसीलिए चीन की जनता जो है उनका परंपरा से वे बौद्ध हैं, इसलिए उनके प्रति कोई हमारे विद्वेष नहीं है। हमें प्रयत्न यही करना है कि उनका दुख किस तरह हम दूर कर सकें। एक राजनीतिक तौर पर जो है हमारे अंदर एक विद्वेष जैसा चल रहा है, लेकिन चीन की जनता के प्रति हमारे मन में कोई विद्वेष नहीं है, दुर्भावना नहीं है। इसीलिए जो है तिब्बत की जनता और तिब्बत देश जो है आर्य अवलोकितेश्वर के क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। अभी वर्तमान जो है हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। हमारे पूर्वज बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन जो है अभी हम जो है एक गौरवान्वित होकर गर्व के साथ हम अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक जो है तिब्बत में जो निर्वासित सरकार है वो भी जो है एक बहुत ही अच्छी ढंग से हम सरकार चला रहे हैं। इससे पहले के जो सेवांग तामडेला थे सभी ने जो है बहुत अच्छी तरह से जो है इस सरकार को चलाया है, सभी ने जो है मेहनत किया है। जितने भी जो दूसरे अन्य देशों के जो निर्वासित रहने वाले लोग हैं उनसे जो है हम जो है अद्भुत अनोखे रूप में हमने तिब्बत के धर्म बौद्ध धर्म के माध्यम से जो है पूरे विश्व के लोगों को
विषय के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है, इसलिए आज यहाँ पर जितने भी यहाँ तिब्बती सरकार के मंत्री हैं आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने कई वर्षों तक हमने जो है मेहनत करके इस तरह सरकार चलाया है, और आप सबको मैं आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, और भविष्य में भी आप सब जो है एक आप सब जो है खुले विचार से खुले मन से जो है और लोगों का कल्याण करने के लिए और नालंदा की इस परंपरा को परंपरा के अध्ययन करने वालों को और साग्या के लुका के निगमा के सभी के जो है जितने भी हैं सब नालंदा के परंपरावादी हैं, केवल जो है प्रार्थना करने से नालंदा परंपरावादी नहीं होते हैं। नालंदा आचार्यों के जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करने से ही नालंदा परंपरावादी होते हैं। केवल सिर्फ प्रार्थना करते समय वो ऐसा कहने से जो है नालंदा परंपरावादी नहीं होते हैं। नालंदा में इस तरह की परंपरा नहीं था, इसलिए नालंदा के आचार्यों ने जो है उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का रचना किया है, इसलिए नालंदा आचार्यों के 17 आचार्यों के जो है पूरी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करने वालों में अध्ययन करने वालों में जो है गेदेनपा जो है विशेषकर जो है 3 महापीठों में अध्ययन करने वाले जो भिक्षु संघ हैं वे जो है अध्ययन कर रहे हैं। आज तक जो है बहुत ही मेहनत किया है, बहुत लगातार कर रहे हैं। इन शास्त्रों का अध्ययन करने से स्वयं को भी जो है लाभ है और दूसरों को भी लाभ है, और दूसरों के साथ चर्चा करते समय भी आप जो है एक विश्व अपने आप में विश्वास के साथ दूसरों के साथ आत्मविश्वास के साथ चर्चा कर सकते हैं। भविष्य में भी आप लोग इस तरह से अंतरहित मध्यमक दर्शन युग्म शमत विपश्यना के भावागन क्रम का सूत्र तंत्र सम्मत ही समय विस्तार का हिमवत प्रदेश में जीन शासन के विस्तारक निर्बाध कमलशील पात को प्रणाम। मैत्रेय कृपा पात्र सर्व महायानी पीठकों के सुविस्तार दक्ष अति विस्तीर्ण मार्ग का उपदेश देते हुए जिन व्याकरण विज्ञान रथ संचालन असंख्य चरणों में करता प्रणाम। द्वेष शून्यता और 7 अभिज्ञान ग्रंथों के परंपरा धारण का व्यावहारिक स्वतंत्र विज्ञप्ति सिद्धांतों के प्रकाशक द्वितीय सर्वज्ञ विख्यात विद्वत वर आचार्य वसुबंध चरण का प्रणाम करता हूँ। मुनि के शास्त्रों की परंपरा और फिर वस्तुबल युक्ति के देशनार्थ तर्क द्वार शतश उद्घाटित कर विवेक मति दृष्टिदाता न्यायिक दिग्नापादों का प्रणाम करता हूँ। बाह्य आभ्यंतर प्रमाणों के सर्व मर्मज्ञ सौत्र युक्ति द्वारा निर्णायक अद्भुत धर्म नीति के पटु वक्ता धर्म का नमन है। मैंने जब पाली परंपरा के कुछ भिक्षुओं के साथ उनके साथ चर्चा की तो उन्होंने एक शास्त्रों के व्याख्या में उनसे कहा कि आप लोग जब शास्त्रों की व्याख्या करते हैं तो केवल आप लोग आगम के आधार पर व्याख्या करते हैं या युक्ति के आधार युक्ति पर भी आश्रित रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि केवल आगम के आधार पर ही व्याख्या करते हैं। तो मुझे उस वक्त आर्य दिग्नाक
का बहुत याद आया, स्मृति आया कि आर्य दिग्नाग ने जो है युक्ति के द्वारा हमें जो है शास्त्रों का व्याख्या करने को कहा है, अध्ययन करने को कहा है। बाह्य आभ्यंतर प्रमाणों के मर्मज्ञ सौत्र चित्र गंभीर उदार सर्वमार्ग के युक्ति द्वारा निर्णायक अद्भुत धर्म नीति के पटुवक्ता धर्म कीर्तिपाद को नमन है। असंग बंधुओं से आगत प्रज्ञापारमिता अर्थ सत्सतहीन माध्यमक प्रसंगवत अलंकार शास्त्रार्थ लोकदीप प्रज्वल युक्ति सेन आर्य के चरणों में नमन है। जननी के अर्थ के विभंग हेतु जिनके व्याकरण प्राप्त अजिनाथ के भी अवादों के यथावत प्रकाश त्रिमाता प्रज्ञा पारमिता ग्रंथों के आचार्य आर्यभट्ट को यह नमन है। लाखों ही विन निकायों के भावों को संक्षेप कर सर्वासीवाद शास्त्र समस्त प्रतिमोक्ष के सम्यक देशना प्रवीण गुण प्रपाद को कर प्रणाम करता हूँ। एक बार मुझे थाईलैंड के विद्वान के साथ मिलने का अवसर मिला। हम सब जो है बुद्ध के अनुयायी, ये सब एक हैं। उनमें उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा मतांतर है, अलग मत मध्य। तब मैं उनसे जो है विनय के अनुशीलन के बारे में उनसे जब प्रश्न पूछा, तो उन्होंने मैंने कहा कि हम सर्वास्तिवादी परंपरा के अनुयायी हैं, इसलिए जो है विनय में थोड़ा सा अलग है। इसलिए आप लोग प्रतिमोक्ष सूत्र में, प्रतिमोक्ष सूत्र जो है पाली में है और हमारे यहाँ प्रतिमोक्ष सूत्र संस्कृत में है, इसलिए विनय के शील में जब कहते हैं तो आप लोगों में पाली में जो है पाली में 92 है। और जब मैं इसके बारे में चर्चा का 92 और उसके संख्या के बारे में विचार उनके चर्चा किया, तो वो हैरान हो गए कि क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों में क्या विनयशील का पालन होता है, विनयशील है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले सुन रखा था कि जो है तिब्बत का धर्म जो है केवल लामाइज्म है, लामाइज्म का केवल जो लामा को अनुकरण करने वाले, तो वो एकदम अद्भुत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनको ये मालूम नहीं था कि जो है तिब्बती बौद्ध धर्म में जो है शील विनय का जो है पालन होता है। इसलिए जो है जितने भी पाली के परंपरा के अनुयायी हैं, परंपरावादी हैं, उनके साथ जो है हम किस तरह परिचर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, हमें इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। कई ऐसे ग्रंथ भी हो सकते हैं, पाली में ऐसे ग्रंथ हो सकते हैं जो अभी बोटी भाषा में अनुदित ना हो, और संस्कृत में भी, संस्कृत और बोटी में भी ऐसे ग्रंथ हो सकते हैं जो पाली में अनुदित ना हो। इसलिए जो है जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे सब जो है एक समान रूप से सभी ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम हो सकें। अभिधर्म पिटक में काफ़ी असमानताएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम विनय पिटक की बात करते हैं, विनयशील की बात करते हैं, तब उनके वहाँ पर बहुत सारी समानताएं हैं। तो इसीलिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ, पाली परंपरावादियों के साथ जो है चर्चा परिचर्चा करना चाहिए। त्रिशिक्षा गुण मानी कोश के अधिकारी विमल विनय शासन के दीर्घ स्थायित्व हेतु विपुल ग्रंथार्थ के विस्तारक विनयधरों में श्रेष्ठ शाक्य प्रवचनों में प्रणाम करता हूँ। मुनि प्रोक्त गंभीर और उदार वचन परंपरा अशेष का पुरुष त्रय मार्ग तय उपदेशों के कर्ता हिमवत प्रदेश में मुनि शासन विस्तारक महाकृपाल भट्टारक नमन अतीश को। जम्बूद्वीप अलंकार बहुत ऐसे ऐसे अद्भुत सुभाषितों के आकर श्रेष्ठ विज्ञों की दृढ़ प्रसंसित से की गई आदेशना से मेरी संतति पक्व
पक्व होकर मुक्ति में अधिष्ठित हो। वस्तु के अवस्थिति और सत्यत्व अर्थ ज्ञान सत्य चतुष्टय से प्रवृत्ति और निवृत्ति के यथावत विनिश्चय से तर्क पुष्ट श्रद्धा को तीसरे में दृढ़ करके मोक्ष मार्ग मूल में दृढ़ अधिष्ठान हो। दुख समुदय पशम निर्वाण काम बनो। निर्याण बुद्धि और जगत की त्रानेच्छा दिगंत पानी करुणा से उद्गत हो। अकृत्रिम बोधि चिदाभ्यास में अधिष्ठित हो जाऊं। महारथियों के ग्रंथों के अर्थों में शुद्ध चिंता भावना से होकर के पारंग वज्रयान के सभी गंभीर मार्ग के निश्चय को से शीघ्र प्राप्ति में अधिष्ठित हो जाऊं। जन्म जन्मांतर में त्रिशिक्षा सदाशिपा भाषण और साधना से आगम और अधिगम में शासन को धारण कर उसकी विवृद्धि हेतु महारथियों के सती शासन कार्य कर सकूं। सभी संघों में श्रवण चिंतन व्याख्यान साधना क्रिया में सदारत असम आजीविका के परित्याग श्रेष्ठ विद्वान और सिद्धों के प्रवृत्ति से जमुदी महाबुद्धि सर्वदा अलंकृत हो। उनके अनुभव से समस्त सूत्र तंत्र भूमि मार्ग में प्रवृत्त हो। अनाभोग दोनों ही अर्थों को साथ कर शीघ्र ही सर्व के जिन का पद प्राप्त कर आकाश स्थिति पर्यंत लोकहित कर सकूं। इसलिए जो है हमें अनभक्त नहीं होना चाहिए, ये मेरा धर्म है ऐसा मानकर जो है बिना पक्षपात रहकर हमें जो है हमें परीक्षण करना चाहिए। अपने धर्म के ऊपर केवल अनभक्त होकर नहीं रहना चाहिए, दूसरे धर्मों के ऊपर चर्चा पर दूसरे धर्मों के साथ एक में तुलनात्मक अध्ययन कर तब जाके जो है अपने धर्म के ऊपर जो है परीक्षण अपने धर्म के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए जो है प्रज्ञा पर आधारित श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ नालंदा के 17 महापंडित आचार्यों के मैंने जो है स्तुति की है। मुझे अन्य विद्वानों ने भी इसके लिए प्रेरित किया कि मुझे एक नालंदा के 17 आचार्यों की स्तुति का रचना करना चाहिए, तो उन्हीं के प्रेरणा से उन्हीं के कहने से और मेरा भी इसके ऊपर बहुत पहले से ही रुचि रहा है, तो मैंने इस ग्रंथ की रचना मैंने किया है। प्रतिदि समुपाद की स्तुति और चिशोधन की अष्टपदावली जो है आप लोगों को बीच बीच में इसका अध्ययन करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। प्रतिदि समुपाद की व्याख्या को यदि आप गंभीर रूप से विस्तार रूप से चाहते हैं तो जो है आपको जो है आचार्य नागार्जुन के मध्यमक मूल कारिका को कारिका का अध्ययन करना चाहिए। इससे पहले जितने भी महाप्रणिधान पर्व का इससे पहले बचपन में जब महाप्रणिधान पर्व को मनाया जाता था तो वहाँ पर जो है प्रार्थना करते समय जो है जब मुझे प्रार्थना करते समय मुझे कुछ बोलना होता है कुछ करना होता है तो मुझे मेरे मन में मैं थोड़ा भयभीत हो जाता था बचपन में। सामने मैं बहुत भयभीत होता था, मुझे थोड़ा डर होता था और उस डर के वश से मुझे सामने में जो लोग बैठे हैं वो मुझे दिखाई नहीं देते हैं, और लेकिन जब धीरे धीरे जब डर दूर हो जाता है तो सामने में कोई लोग दिखाई देने लग जाते हैं और उनको मैं
उन्हें मैं पहचानने लगता था, नहीं तो मैं डर, और मैं ही नहीं जब वहाँ प्रार्थना सभा होती थी तो वहाँ पर ठीरे मुझे जब प्रार्थना पाठ करते हैं तो एक बार ऐसी परिस्थिति हो दिया थे कि वहाँ पर ठीरे मुझे की जगह पर किसी और को वहाँ पर ठीरे मुझे की जगह पर किसी और को वहाँ बैठना पड़ा। तो वहाँ पर जो प्रार्थना का पाठ कर रहे थे तो डर के मारे ऐसा है कि जो है उन्होंने वहाँ पर सिंहासन के ऊपर ही उन्होंने पेशाब किया था। तो इस तरह के डर जो है कि उन मुझे ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस तरह के डर और भय होता है। इसलिए Shenjie de zon dan ne